Hello everyone and welcome back again in the current affairs series lecture number 4. Already इसके तीन lectures हमने upload किए हैं जिसमें हमने 50 current affairs discuss किए हैं जिसकी link आपको description में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन videos को checkout कर सकते हो. So this is the lecture number 4 and in this lecture we are going to discuss 15 current affairs related to the themes of 2024. क्लियर. सो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट यूएन सेलिब्रेट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑन डाइडस 2024. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूएन की, यानी यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करेंगे, जो यूनाइटेड नेशंस है इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट किया है, लेकिन किस डेट पे? हमारे सामने जो ऑप्शंस है वो है 30 मई, दूसरा है 31 मई, तीसरा है 1 जून एंड लास्ट वन इज 2 जून. क्लियर. एक सेकेंड. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 30 मई. क्लियर. तो पहली बार जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी ओर से जो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटोज, ठीक है, यानी जिसे सेलिब्रेट किया है पहली बार किसने? यूएन ने, ठीक है. तो कब किया है? वो किया है 30 मई 2024. क्लियर. यानी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2024 के, तो ऑब्वियसली ये किसका होगा? 2024 का. यानी पहली बार इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है यूएन की ओर से. यानी इस तरह का दिन पहली बार मनाया गया है. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024. तो देखिए अगर हम वर्ल्ड हंगर डे की बात करेंगे, यानी हर साल जो थीम होती है वो बदलती रहती है. अगर हम 2024 की बात करेंगे, यानी 2024 के अकॉर्डिंग जो थीम थी वर्ल्ड हंगर डे की वो क्या थी? क्या वो थ्राइविंग मदर्स थे, सस्टेनेबिलिटी थे, लीव नो वन बिहाइंड, एक्सेस एंड हंगर? क्लियर. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्राइविंग मदर्स. क्लियर. ये चीज क्या? थ्राइविंग मदर्स, ये चीज आप याद रखिए. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर बाय द यूएनजीए. तो क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा गया आपसे कि विच डेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, यानी वो कौन सा डेट है जो हमारे पास ऑप्शन है, यानी इनमें से वो कौन सा डेट है जिसे डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर. यानी क्या बताया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर्स, ठीक है, या मार्कोर हम कह सकते हैं. क्या बोला मैंने कि जो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास ये डेट्स है, क्या है, यानी जो हमारे पास ये डेट्स है, यानी इन डेट्स में वो कौन सा डेट है जिसे डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर, किसकी ओर से? यूएनजीए की ओर से. तो यूएनजीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. क्लियर. ये चीज़ आप याद रखिए, यानी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसकी ओर से किस डेट को क्या डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कर्स, तो वो है मई 24. यानी मई 24 को डिक्लेयर किया गया है एज अ डे ऑफ मार्कर्स, ठीक है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कर्स. क्लियर. तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यूएनजीए की, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसको बनाया गया था 1945 में, और इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में. क्लियर. ये चीज़ आप याद रखिए. अगर प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो वो है फिलमोन यंग, ठीक है, फिलमोन यंग. क्लियर यहाँ तक. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024.
तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि क्या थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 2024 का था, इसकी क्या थीम थी, क्या इसकी थीम योगा फॉर हेल्थ थी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर ग्लोबल यूनिटी और योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, दैट इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्लियर। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यानी इंडिया में पहली बार योगा डे कब मनाया गया था, तो इसे मनाया गया था 2015 में, यानी जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो पहली बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया था इंडिया में, वो बनाया गया था 2015 में। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट विंड डे ऑब्जर्वड बिफोर इट वाज क्लियर द कॉल्ड द ग्लोबल विंड डे, यानी पहली बार जो विंड डे को ऑब्जर्व किया गया था कब, बिफोर इट वाज कॉल्ड ग्लोबल विंड डे, यानी इससे ग्लोबल डे ग्लोबल विंड डे पुकारने से पहले पहली बार कब इसको ऑब्जर्व किया गया था, क्या 2007 में, 2008 में, 2009 या 2010 में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2007, यानी 2007 में पहली बार विंड डे को ऑब्जर्व किया गया था, यानी इसे ग्लोबल डे करार देने से पहले, इसे ग्लोबल डे कहने से पहले जब पहली बार इसे क्या ऑब्जर्व किया गया था, वो किया गया था 2007 में। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्टर्स, डाइवर्स फ्यूचर्स, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डाइवर्स डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्लियर। एक सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्लियर। सो जो थीम थी वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 की, वो क्या थी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दैट इज व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, यानी जो वर्ल्ड अर्थ डे यानी जो वर्ल्ड अर्थ डे जब इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, 2024 में, तो इस साल इसकी क्या थीम थी, क्या प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, रेस्टोर आवर अर्थ, या क्लाइमेट एक्शन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्लियर। क्या प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, एक सेकंड, प्लास्टिक, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे को कब पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में, तो आप इसका जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मलेरिया डे इन 2024। तो अगर हम मलेरिया डे की बात करेंगे, इस साल जो इसकी थीम थी वो थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी जो इस साल थीम थी किसकी, वर्ल्ड मलेरिया डे की, वो क्या थी, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024। तो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी जब इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो इस साल क्या थीम थी इसकी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, एक सेकंड, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। क्लियर। मैंने पहले भी कहा कि जो मुझे थोड़ा सा गला ख़राब है, उस वजह से बार बार जो खांसी आ रही है उसके लिए माजरा चाहते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे, वो है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024। अब हमें बताना है कि थीम ऑफ
नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024. तो इस साल जो थीम थी वो क्या थी, वैक्सीन वर्कर्स फॉर ऑल. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द डिजिग्नेटेड थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इन 2024. तो इस साल क्या थीम रही थी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 की. क्लियर? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाटर फॉर ऑल. क्या रहेगा? वाटर फॉर ऑल. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 2024. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारे पास, पहले हम ऑप्शंस की ओर देखेंगे. ऑप्शन में है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, एपिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटर जनरेशनल लर्निंग. ठीक है, लर्निंग लैंग्वेज या लव लैंग्वेज, रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज, लर्न इन योर मदर लैंग्वेज. ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. क्लियर? यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, एपिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटर जनरेशनल लर्निंग. क्लियर? दिस इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024. क्या इसका जो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्राइडिंग डिवाइडर्स, फोस्टरिंग यूनिटी, या बिल्डिंग ब्रिजेस स्ट्रेंग बॉन्ड्स, या ब्रिजिंग गैप्स, या बिल्डिंग अलाइंसेस, या फिर कम्बैटिंग डिस्क्रिमिनेशन, या प्रमोटिंग इक्वलिटी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग alliances is the theme of World Day of Social Justice 2024. Clear? So question number 14, that is what is the theme of National Tourism Day 2024. तो अगर हम बात करेंगे National Tourism Day की, क्या National Tourism Day की, यानी जो celebrate किया गया है 2024 में, इस साल इसकी क्या theme थी. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज. यानी द थीम फॉर द इंटरनेशनल टूरिज्म डे 2024 वाज सस्टेनेबल जर्नी एंड टाइमलेस मेमोरीज. क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच डे इज मार्क्ड एज शहीद दिवस और मैथ्यूज डे. तो कौन सा दिन है जिसे मार्क किया गया है एज, जिसे कहा गया है शहीद दिवस. क्लियर? यानी शहीद दिवस, या जिसे हम कह सकते हैं मैटियर्स डे. तो कौन सा डे है वो, क्या वो 21 मार्च और 31 जनवरी है, या हम कह सकते हैं कि 22 मार्च और 29 जनवरी है, 24 मार्च या फिर 30 जनवरी या फिर 24 मार्च. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 मार्च एंड 30 जनवरी. यानी दीज टू डेज वर सेलिब्रेटेड और वी कैन से मार्क्ड एज द शहीद दिवस और मैटियर्स डे. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.